सीधा रुख करेंगे बिलासपुर की तरफ। तो बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? बिल्कुल सिमरन, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज मौजूद थे और यह बिलासपुर के इंडोर स्टेडियम में योग का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता और जो लोग थे वो मौजूद थे। तकरीबन 1000 की संख्या में इस स्टेडियम में लोग मौजूद थे और योग का आज उनके द्वारा योग किया गया। विशेष तौर पर देखिए, मंत्री ने कहा है कि योग लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है और लोगों को वो योग करना चाहिए और जो स्वस्थ है वो उनकी शरीर स्वस्थ रहती है योग करने से, तो सभी को योग करने की अपील भी उन्होंने की है। देखिए दूसरी बड़ी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री का आज दौरा है और लगातार बिलासपुर लोकसभा के तमाम विधानसभाओं में उनके द्वारा दौरा किया जा रहा है। आज मस्तूरी विधानसभा में उनका दौरा है और इस दौरे के दौरान भाजपा नेताओं के साथ साथ आम जनता से भी वो मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पे क्षेत्र में होने वाली विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा उनके द्वारा किया जाना है और जो जो जिस तरह से लोगों की समस्याएं होती है उन्हें भी कहीं ना कहीं निराकरण करने की जो बात है वो उनके द्वारा कही गई है। बिल्कुल देखिए सिमरन, लगातार बिलासपुर में यातायात की कहीं ना कहीं कार्रवाई होती रही है। एक बार फिर बड़ी संख्या में यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। 80 जो साइलेंसर होते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर, उस पर कार्रवाई की गई है, यानी कि कुल 244 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि लगातार इन्हीं के वजह से जो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होती है, इनकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटनाएं बढ़ती है और इस दुर्घटना को अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस एक बार मुहिम चलाई है और देर रात तक उनके द्वारा राहों पर चेकिंग अभियान करके इन वाहनों पर कार्रवाई की गई है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ये जो चलानी कार्रवाई है वो की गई है। बिल्कुल सिमरन, देखिए मौसम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और लगातार मौसम का मिजाज बदलते नजर आ रहा है। कहा जाता है कि 15 जून से मानसून दस्तक देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में अभी फिलहाल मानसून की आगमन नहीं हुआ है और मौसम विभाग ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3-4 दिनों के बाद जो मानसून है उसकी आने की संभावना है, यानी कि 3-4 दिनों के बाद जो बारिश है वो हो सकती है और कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव चढ़ाव की वजह से जो तापमान की जो डिग्री है उसमें भी कमी देखी गई है। हालांकि दोपहर के समय में उमस रहती है, लेकिन जो जो तापमान है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री की अंतर देखी गई है सामान्य से। जी जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।